एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी। यहाँ पे एक सीरीज चल रही है फॉर ईपीएफओ, जो कि 2 जुलाई को होने वाला है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस शुरू किया है हमने। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है, जिसमें हमने बेसिक्स बात किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, और एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न, इवन प्री कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा और मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे थे, इंडस्ट्री एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशंस कैसे थे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की, कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ से लॉज बनना शुरू हुए। हम लोग सुनते हैं फैक्ट्री एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स के नाम सुनते हैं, हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं। तो आज वहाँ से शुरू करेंगे कि इन सब चीज़ों की शुरुआत क्या हुई। तो बेसिकली हमको आज 3 चीज़ देखना है। पहला होगा फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट आपका ये आया था 1881 में। अगला है ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आपका था 1920। और अगला था रॉयल कमीशन ऑन लेबर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ये बना तो आपका 1929 में था और इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी 1931 में। तो ये 3 हम बेसिकली आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ, कि आपका पता है आपको कि यूरोप में हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज इंडिया में भी बढ़ रही थी, ठीक है। फैक्ट्री इंडिया में बढ़ गई मतलब हमको लेबर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर्स चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लेबर्स का हरासमेंट होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हो गया, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। अब एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, 15-15 घंटे काम करा लेते थे, वेजेस बहुत कम देते थे, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, वेजेस कम हो गए, वेजेस कम मिल रहे हैं वर्कर्स को, ठीक है। ये सब होने के इतना सीक्वेंस बन गया, वेजेस कम है, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, 14-15 आवर्स काम करा लेते थे और वेजेस देते थे 8 आवर्स वाले, वो भी हार्डली, ठीक है। तो इतना होने के बाद जब फेमाइन आया बंगाल में 1860 का फेमाइन आया, ऑलरेडी इतना सब एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, तो फिर वो बर्दाश्त के बाहर हो गया और लेबर ने कर दी स्ट्राइक। और स्ट्राइक करने के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो बात सर से ऊपर निकल चुकी है, पानी सर से ऊपर निकल चुका है, चलो एक कमेटी बना देते हैं। तो एक कमेटी बन गई हमारी 1875 में, ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बना ली 1875 में, जो कमेटी क्या करेगी, स्टडी करेगी लेबर की कंडीशंस को, ताकि स्ट्राइक्स को कम किया जा सके, ठीक है। लेबर की कंडीशन देखा जाएगा कि क्यों ये स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक कम होगी जिससे वापस से प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज की बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी कमिटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसी रिपोर्ट के आधार पर बन गया हमारा फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। उसी रिपोर्ट के आधार पर क्या बन गया, फैक्ट्री एक्ट, कब का, 1881 का, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज यूरोप में बढ़ गई, इंडिया में भी फैक्ट्रीज बढ़ी, जिसकी वजह से लेबर ज्यादा से ज्यादा चाहिए थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, वेजेस कम हो गए, ठीक है। उन लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए मैक्सिमम काम कराते थे, 14-14, 15-15 घंटे काम कराते थे, वेजेस बहुत कम देते थे। 1860 में क्या होता है, 1860 में बंगाल में सूखा पड़ जाता है, फेमाइन आ जाती है, जिसकी वजह से ये सब जो है और एग्जैगरेट हो जाता है, ये सिचुएशन और एग्जैगरेट हो जाती है, और फिर क्या होता है, ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं, वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। तब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि आओ अब हम एक कमेटी बनाते हैं, जिससे कि लेबर की कंडीशन को पढ़ा जाए, देखा जाए, और क्या किया जाए, स्ट्राइक्स को कम करने की कोशिश की जाए। ये भी पूछ सकता है कि हाँ, फिर ये कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 आया। इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था, हमारे वॉइसरॉय थे रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट के टाइम पे वॉइसरॉय कौन था, रिपन। अब इसमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या मेन बातें थी, आइए वो देखते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले, ठीक है, 1875 की कमेटी जो बनी थी उसके सजेशन के हिसाब से बना था, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कही गई थी, कि चाइल्ड जो है, जो चिल्ड्रेन है 7 साल से छोटे, वो लोग फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। इसका मतलब पहले 7 साल से छोटे बच्चे भी काम करते थे, अब तो 14 ईयर्स तक अलाउड नहीं है, तब 7 साल से छोटे बच्चे भी फैक्ट्री में काम करते थे, सोचिए क्या हालत थी, ठीक है। और क्या कहा गया, और ये कहा गया कि 7 से जो 12 साल के बच्चे हैं वो केवल कितने घंटे काम करेंगे, 9 घंटे काम करेंगे, 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो केवल 9 घंटे काम करेंगे, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम वर्किंग आवर्स रहेगा, ठीक है। और क्या कहा गया, और ये कहा गया कि 1 घंटा
आपको ब्रेक तो देना ही देना है पूरे दिन में, 1 घंटा ब्रेक तो आपको चाहिए ही चाहिए पूरे दिन में, ठीक है? ठीक है, अगली बात क्या कही गई? अगली बात ये कही गई कि 4 डे रेस्ट होने चाहिए महीने में, 4 डे रेस्ट, पूरे महीने में 4 डे रेस्ट होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको खाली क्रक्स बता दे रही हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जिससे कि आप आगे इसको देख सको, आगे इसको पढ़ सको, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि देखो ये 4 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 में। पहला, 7 साल से छोटा बच्चा काम नहीं करेगा फैक्ट्री में, 7 से 12 साल के बच्चे केवल 9 घंटे काम करेंगे फैक्ट्री में, ठीक है? 1 घंटे का ब्रेक होना चाहिए और 4 दिन रेस्ट होना चाहिए इन मंथ। ये क्या है? ये आपका फैक्ट्री एक्ट था 1881 का। ये किसके टाइम पे आया था? ये आया था आपका लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है? ये पहली बार था कि ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि हम चलो अब जो है लेबर्स की स्थिति को ठीक करते हैं। और ये सब कब इम्प्लीमेंट होगा? ये सब इम्प्लीमेंट होगा तभी जब 100 वर्कर्स से बड़ी फैक्ट्री है। उन लोगों ने ये भी दिमाग लगाया कि अगर ये सब कर देंगे तो फिर तो लॉस भी हो जाएगा ना, तो 100 वर्कर्स से बड़ी फैक्ट्री में ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है? चलो तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चाइल्ड 7 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, 1 घंटे का ब्रेक होना चाहिए और 7 से 12 साल के बच्चे केवल 9 घंटा काम करेंगे, ठीक है? चलो अब अगला क्या एक्ट है? अगला हमने देखा था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कब आई थी आपकी? 1920 में। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये आई थी आपकी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1920, ठीक है? इसके प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हमारे कौन थे? प्रेसिडेंट थे आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, अखिल भारतीय व्यापार संघ बोलते हैं। ये बना कौन क्यों था? इसका मेन मोटो ये था कि हमको पता है कि आईएलओ की स्थापना हो चुकी है। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैंने कल ही बताया था आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर, आईएलओ की स्थापना हो चुकी थी 1919 में। तो आईएलओ में हमारी कंट्री का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था ना, तो हमारी कंट्री को आईएलओ में रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये कांग्रेस बनी थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका मेन मोटो यही था कि रिप्रेजेंटेशन इन आईएलओ, ठीक है? ये इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन थी, ये इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन थी, ठीक है? कब बनी थी? 31 अक्टूबर 1920 को बनी थी। इसका मोटो क्या था? कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? अभी तो ये तब बन गई थी। अभी कहाँ पे है ये? अभी आपका ये एक पॉलिटिकली लिंक्ड पार्टी है। किससे लिंक्ड है ये? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये लिंक हो गई है 1945 में, ठीक? चलो इस टाइम इसका ये भी पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इसका कौन है? ये प्रेजेंट टाइम में गवर्न्ड होती है, आपकी सेक्रेटरी इसके हैं अमरजीत कौर, अमरजीत कौर की सेक्रेटरी है आपके, और आपका प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? रमेंद्र कुमार, रमेंद्र कुमार, ठीक है? रमेंद्र कुमार आपके प्रेसिडेंट हो गए, ठीक? इसके बहुत सारे सेशंस होते हैं। खाली लाला लाजपत राय के अलावा कौन कौन लीडर्स थे, एक बार देख लीजिए कौन कौन लीडर्स थे। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, वीवी गिरी, सरोजनी नायडू, सी आर दास, ठीक है, एनी बेसेंट, ये सब इसके, और ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इसके और लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो लिंक थे आपके AITUC से। कब बनी थी? 31 अक्टूबर 1920 में। मेन मोटो था ये लोग में रिप्रेजेंट करना इंडिया को, ठीक है? प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? रमेंद्र कुमार। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला आता है आपका क्या था? रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स, रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स, रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स। अब ये क्या था? ये आपका एक कमिटी थी, कमीशन था, जो कि बना था 1929 में और रिपोर्ट इसने सबमिट की थी 1931 में। इसके चेयरपर्सन थे, ये पूछ सकता है, इसके चेयरपर्सन थे जॉन हेनरी विटली, जॉन हेनरी विटली आपके इसके चेयरपर्सन थे। किसके? रॉयल कमीशन ऑन, रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स 1929 में बना था। इसके चेयरपर्सन कौन थे? जॉन हेनरी विटली। ये भी बना था लेबर्स की कंडीशन को चेक करने के लिए। इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही थी
कि एक लेबर ऑफिसर होना चाहिए, लेबर ऑफिसर, ठीक है। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि लेबर ऑफिसर होना चाहिए हर एक फैक्ट्री में, ठीक है, लेबर को कंडीशन को चेक करने के लिए ये बना था। तो हमने बेसिक तीन आज एक्ट्स पढ़े हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ए कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन 1875 टू इंक्वायर इन टू द कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इन इंडिया। इट रिजल्टेड इन लिमिटेशन ऑन वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स को लिमिट कर दिया था, 9 घंटे कर दिया था आपके, 9 से 12 साल के बच्चों के लिए, 7 साल के बच्चे कम के बच्चे काम ही नहीं करेंगे फैक्ट्रीज में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, कब आया था, 1881 में। फैक्ट्री एक्ट क्या क्या बोलता है, ठीक है, 7 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे, 7 से 12 साल के बच्चे केवल 9 घंटे काम करेंगे, 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए महीने में, ठीक है। 1860 में फेमाइन आया था, जिसके बाद की आपका स्ट्राइक होने लग गई थी, इसी वजह से ब्रिटिशर्स को ये एक्ट लाना पड़ा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर को बना था बॉम्बे में, ये पहला इंडिया का ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये क्यों बना था, रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को, कहाँ, लीग ऑफ नेशन के ILO में, लीग ऑफ नेशंस के ILO में। आपको पता है ना, यूएन के पहले लीग ऑफ नेशंस था, ये फेल हो गया, जिसकी वजह से यूएन बना, ये नहीं रोक पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। लास्ट था रॉयल कमीशन ऑन लेबर, द कमीशन वॉज चेयर्ड बाई जॉन हेनरी विटली, ठीक है। ये कमीशन कब सेटअप हुआ, 1929 में, किस लिए, वर्किंग कंडीशंस लेबर की इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसने रिपोर्ट सबमिट की थी आपकी 1931 में। क्या रिकमेंड किया था, अडॉप्शन ऑफ सूटेबल लेजिस्लेशन एनेबलिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू, दिस इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिविंग वर्किंग एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर्स, ठीक है। तो ये आपकी तीन कमीशंस थी, आज हमने तीन कमीशंस देखे हिस्टोरिकल इवेंट्स की सीरीज में, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये तीन कमीशन्स के बारे में एक एक चीज पता हो गई होगी, कौन से कमीशन ने कहा था कि 7 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री एक्ट, 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, 1 घंटे का ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, 7 से 12 साल के बच्चे केवल 9 घंटे काम करेंगे, ठीक है। आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, कब बनी थी, 31 अक्टूबर 1920, ठीक है। और क्यों बनी थी, ILO में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। लास्ट था रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स, ये पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जॉन हेनरी विटली, जॉन हेनरी विटली। अब इसके टाइम पे वॉइस रॉय कौन था, ये आपका होमवर्क है, आप पता करके बताना, जब आपका ये बना था तो वॉइस रॉय कौन था, नंबर वन। और जब आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी 1920 में, तो उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था, ठीक है, उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था। कभी कभी अरेंज करने को बोल सकता है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, पहले कौन सा हुआ, दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ, तीसरे नंबर पे कौन सा होता, आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट कब हुआ, 1881 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, ठीक है, और रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स 1929 में। सो दिस वॉज इट, आई एम हियर विथ माई चैनल प्रोजेक्ट PMYP। जो कोई तैयारी कर रहा है EPFO की, जो कि 2 जुलाई को होने वाला है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैक्स टू मैक्स 10 to 12 days में आपका लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज अगर आप चाहते हो कि आप 85 to 90% ऑफ क्वेश्चन सही कर दो। इस सीरीज के बाद मैं PYQ के सेशंस भी लाऊंगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट थी PYQs के लिए। आप PYQs को देखते ही सॉल्व कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को देखने के बाद। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, जय हिंद, थैंक यू।